गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत इजी सा चैप्टर है अगर समझ आ जाए, अगर समझ ना आए तो बहुत मुश्किल लगता है। ये जिन्होंने फिजिक्स आगे पढ़नी है तो ये हर क्लास में जहाँ तक फिजिक्स है ये चैप्टर इन्वॉल्व रहता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइट की रिफ्लेक्शन का पार्ट करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन का पार्ट करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है इसलिए एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसके मल्टीपल्स वीडियो बनानी पड़ेंगे मेरे को। तो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन में सबसे पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई थिंक आप लोगों ने इसको क्लास 7th या 8th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे हमारी आ रही है लाइट की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट होके, ये मिरर है हमारे पास। कोई भी सरफेस अगर मैं बनाऊंगा और उसके एक साइड पे ऐसे लाइंस लगा दूंगा, दैट इज ए मिरर। जिस साइड्स पे लाइन लगी हुई है ये रफ सरफेस है, और जहां पे मैंने प्लेन रखा हुआ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस चीज का ध्यान रखना, जब मैं स्फेरिकल मिरर्स भी बनाऊंगा तब भी ये चीज आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज हमेशा याद रखना इसके डायग्राम बनाते हुए कि जो एंगल बनेंगे ना वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फर्स्ट लॉ आ जाता है। सेकंड लॉ आ जाता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सेम प्लेन पे बनते हैं एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, चलो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको देखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्लेन मिरर था। इस क्लास में हमारे पास स्पेशल क्या आ जाता है, वो आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक सर्कल है, ये परफेक्टली बनेगा नहीं क्योंकि मैं इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ सर्कल बनाने में। तो ये एक हमारे पास स्फेयर है, स्फेयर इन द सेंस जैसे बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एक 3D शेप जो स्फेरिकल होती है, ये हमारे पास एक स्फेयर है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिड में से कट कर देते हैं। हर सर्कल का कोई सेंटर होता है, स्फेयर का भी होता है, दैट इज द सेंटर। ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। और सेंटर का, उसकी बाउंड्री से जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। डन, ये हमारा सेंटर है, दिस इज दी रेडियस। रेडियस को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज दिस, ये बन गया। अब इसी से इस पूरे सर्कल स्फीयर को या स्फेरिकल मिरर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो तो हमारे पास प्लेन मिरर होता है दैट इज अ प्लेन, लेकिन जो कर्व फॉर्म में होता है, जो स्फेयर का पार्ट होते हैं, उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। एंड तक बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कन्वेक्स कौन सा और कनकेव कौन सा है। सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, याद रखने में इजी रहता है। अगर आपको केव का मतलब पता है ना, केव कौन सा हिस्सा होता है, गुफा को कह देते हैं ना, एक पहाड़ में से अंदर को मुड़ा हुआ हिस्सा, जैसे उसको केव कह देते हैं, कुछ इसी से है। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की फॉर्म में है वो हमारे पास कनकेव हो जाता है। जैसे अगर मैं स्फीयर के ये आउटर सरफेस को, जो रफ सरफेस है, इंटरनल रिफ्लेक्टिंग है, तो ये हमारे पास कनकेव हो गया, दैट इज कनकेव मिरर। और जो दूसरा मिरर होता है ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, ठीक है। अब मैंने ये लिखा था सेंटर, फोकस और रेडियस। जो सेंटर पार्ट आ गया, जो मिरर का, स्फेरिकल मिरर का सेंटर था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड पे आएगा। सेकंड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारे पास एक्सिस होती है ना जिस लाइन को हमने पास किया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये हमारे पास पोल होता है। पोल जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कर्वेचर को, स्फेरिकल मिरर को टच करे, ये हमारे पास पोल हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। फोकस, फोकस के बारे में एक इंपॉर्टेंट लॉ याद रखना है, फोकस जो होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 times फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज अपर्चर, जो उसके कर्व की लेंथ है, ये एम एन, कितना बड़ा कर्व है, तो एम एन जो हमारे पास आ जाता है अपर्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक से स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर सेंटर, जो स्फेयर का सेंटर आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड अपर्चर, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर लॉज पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।